नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल कृषि नॉलेज ए टू जेड चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन की फसल दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस लहसुन में भी ये हो गए लगभग, ये 1 नवंबर को इसकी बुआई की थी, तो 30 से 35 दिन की ये फसल हो चुकी है। दोस्तों, इसकी निराई गुड़ाई पहले ही होनी थी दोस्तों, परंतु बारिश आ गई पहले 18 नवंबर और 20 नवंबर के आसपास बारिश हुई थी, और दूसरी बारिश अभी हाल ही में हुई है 1 और 2 दिसंबर के आसपास। तो इसमें आपको दोस्तों दिख रहा होगा, निराई गुड़ाई के लिए हमने कर देते, बारिश नहीं होती तो, परंतु ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इसमें पहले भी निराई गुड़ाई हो सकती थी, परंतु बारिश आ गई तो इसमें खरपतवार ज़्यादा हो गया था, तो हमने दोस्तों इसमें ये दवाई का छिड़काव कर दिया दोस्तों, जिससे कि एक बार लहसुन में दोस्तों झटका लग चुका है। लहसुन में आप दोस्तों देख सकते हैं, ये लहसुन में झटका लग चुका है, तो उतनी जो तेज़ गति से इसका विकास होना चाहिए, उतनी तेज़ गति से इसका विकास नहीं हो रहा है दोस्तों। अभी तो चलना शुरू हो गया, थोड़ा झटका लगा, परंतु तो अभी तो सही कंडीशन में इसका जो आप पौधा देख सकते हैं दोस्तों, इसकी भी निराई गुड़ाई चल रही है। उधर देख सकते हैं आप दोस्तों, उधर इसकी निराई गुड़ाई हो रही है। एक बार आज से निराई गुड़ाई होना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो इसमें आपको पूरा ही फसल भी नष्ट हो जाएगी, हो सकती है दोस्तों। निराई गुड़ाई होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद आपको दोस्तों ये निराई गुड़ाई हो जाती है आपके, तो 45 5 से 7 दिन तक आपको इसमें और पानी नहीं चलाना है दोस्तों, इसको धूप ही खिलाना है दोस्तों 7 से 8 दिन तक। एक बार अच्छे से धूप खिल जा लग जाती है, तो फिर बाद इसमें कौन कौन से खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद और सल्टो फास्फोरस ये क्या क्या डालना है, जो हम आपको आने वाली वीडियो में इसकी जानकारी देंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और वीडियो में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना करते रहे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का मोटिव यही था कि दोस्तों इसमें कब कब इसका निराई गुड़ाई होना ज़रूरी है दोस्तों। अभी निराई गुड़ाई चल रही है इसकी, तो बहुत ज़रूरी है इसकी निराई गुड़ाई होना दोस्तों। इसमें हमने दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए, परंतु हमने क्या नहीं तो नहीं कर दे, तो अभी तक ये पूरी तरह से खरपतवार इसको पल जाता और पूरी तरह से नष्ट कर दे देता दोस्तों। तो ये मात्र विकल्प ये था कि हमने इसमें दवाई का स्प्रे कर दिया, तो दवाइयाँ पहले की तरह तो नहीं है दोस्तों, इतनी घातक नहीं आ रही है। अभी तो लहसुन इतना जलता भी नहीं है और इतना पीलापन भी लहसुन में नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक ठाक कंडीशन में अभी चल रहा है ये हमारा पौधा। इतना तो पीलापन होता है दोस्तों कौन सा भी लहसुन हो तो। और अभी इसकी निराई गुड़ाई करेंगे, फिर बाद 7 से 8 दिन इसको धूप खिलाएंगे, फिर बाद इसकी पिलाई करेंगे, और कौन कौन से इसमें खाद डालेंगे जो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।